हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटिंग RSNR में। मैं मोहन सुतार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो बिजनेस में टैक्स इन्वॉइसेस और GST से रिलेटेड जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट इश्यू किए जाते हैं, उन वाउचर्स की हमारे मैनुअल बुक में जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। और आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वह हमारे बिजनेस में जो टैक्सेबल क्रेडिट नोट और टैक्स फ्री क्रेडिट नोट जो बनते हैं वो किस आधार पर बनते हैं और दोनों क्रेडिट नोट्स में क्या फ़र्क होता है। ये आज मैं बिजनेस के रियल वाउचर से आपको प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये आप इसे लाइक और शेयर करें, अदरवाइज आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बिजनेस के रियल वाउचर से प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है ये सिखाएंगे बहुत ही आसान और हिंदी भाषा में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ हमारे बिजनेस के GST से रिलेटेड कुछ वाउचर्स हैं। इसमें हमारे टैक्स इनवॉइसेस भी रहेंगे, कुछ हमारे बिजनेस के टैक्सेबल क्रेडिट नोट भी रहेंगे, कुछ टैक्स फ्री के क्रेडिट नोट रहेंगे और कुछ हमारे गुड्स के जो हमारे गुड्स रिटर्न करते हैं उसके क्रेडिट नोट भी है। तो फ्रेंड्स, ये टैक्सेबल क्रेडिट नोट और टैक्स फ्री क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों क्रेडिट नोट में, इससे पहले हम बात करेंगे हमारे बिजनेस में जो टैक्स इनवॉइस इश्यू होते हैं, यानी कि जब हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं या किसी पार्टी को हम गुड्स सेल्स करते हैं, जो हम टैक्स इनवॉइस जारी करते हैं उसकी जनरल एंट्री हमारी मैनुअल बुक्स में क्या बनती है। फ्रेंड्स, जब तक हमें किसी भी टैक्स इनवॉइस की जनरल एंट्री की अगर नॉलेज हमें नहीं है तो उस वाउचर को किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करने से कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए भी इस टैक्स इनवॉइस से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे नेट प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा या हमारी लाइबिलिटीज़ या एसेट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एंड इस चीज़ की जो भी पिक्चर है वो हमारे माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए, यानी कि उस इनवॉइस से संबंधित जो जनरल एंट्री है वो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं इन वाउचर्स की जर्नल एंट्री क्या बनती है हमारे मैनुअल बुक्स में और क्या क्या लेजर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं स्टॉक आइटम को देख के, ये आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये विजय ट्रेडिंग कंपनी ने एक टैक्स इनवॉइस जारी किया है श्री श्याम ट्रेडर्स को, ये इसका इनवॉइस नंबर है और ये इसकी डेट है। तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम पर निगाह करेंगे और उस स्टॉक आइटम के बाद हमें ये पता चलेगा भी इस इनवॉइस में क्या क्या कमोडिटी हमने परचेज करी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक आइटम है सिस्का LED बल्ब, यानी कि ये LED बल्ब ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। शुगर यानी कि चीनी ये हमारे खाद्य पदार्थ का, तो हम इसको किरियाना गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। टाटा साल्ट भी हमारा किरियाना गुड्स की कैटेगरी का है। निखार हेयर ऑयल 100 ml यानी कि ये हमारा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है। निखार हेयर ऑयल 450 ml यानी कि ये भी हमारा कॉस्मेटिक गुड्स प्रोडक्ट है। ये वाल फैन 400 ml करे यानी कि ये हमारा फैन है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल गुड्स का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे इस इनवॉइस में हमने तीन टाइप की कमोडिटी परचेज करी है, किरियाना गुड्स की, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है और कॉस्मेटिक गुड्स है। तो फ्रेंड, जब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी ये आज आपको मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखी है, लेकिन आज मैं बताऊँगा भी ये जर्नल एंट्री कैसे बनाई है। तो जर्नल एंट्री मैंने सबसे पहला लेजर लिया था किरियाना गुड्स अकाउंट GST 12% परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि किरियाना गुड्स GST 12% परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि उस इनवॉइस में एक GST 12% का गुड्स अकाउंट जो डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमने ये गुड्स परचेज किया तो गुड्स हमारी बिजनेस में आ रहे हैं और जब कोई भी गुड्स हमारी बिजनेस में आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो सिस्का LED बल्ब यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे बिजनेस का 12% का प्रोडक्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस स्टॉक आइटम के सामने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ भी ये 12% का प्रोडक्ट है या 18 का या 5 का या 28 का है, लेकिन हमें सबसे पहले 9404 इसका HSN कोड है और इसकी अगर समरी की अगर हम बात करें तो 94045 जो कैटेगरी है इसकी, ये 12% का कैटेगरी है, टैक्स रेट यहाँ पर हमें मिलेगा। तो ये जो कैटेगरी हमारी इलेक्ट्रिकल की है तो इसलिए हमने लेजर क्रिएट की है इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% परचेज अकाउंट डेबिट और ये इसकी टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे और ये टैक्सेबल अमाउंट कौन सी आएगी, ये वाली 804 रुपये जो हमें यहाँ पे शो हो रही है, ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, क्योंकि इस इनवॉइस में टैक्स है जो टैक्सेबल वैल्यू के बाद में यहाँ पे जो GST और SGST टैक्स हमारे वो अलग से मेंशन किए हुए हैं, यानी कि ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है और ये हमारी नेट वैल्यू है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे टैक्स है, तो इसका मतलब ये अमाउंट है जो ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट है।
तो इसी तरीके से शुगर यानी कि ये हमारा किराना गुड्स का प्रोडक्ट है, तो हम इसका अकाउंट्स लेजर क्रिएट करेंगे किराना गुड्स जीएसटी 5% परचेज अकाउंट डेबिट और इसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से किराना गुड्स जीएसटी फ्री परचेज अकाउंट डेबिट, अब जीएसटी फ्री के अंदर कौन सा रहेगा, ये टाटा साल्ट यानी कि ये टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता और इसका 2501 एचएसएन कोड है। अगर इसकी कोड की बात करें टैक्स समरी में तो 2501 जो कोड है ये हमारा एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आ रहा है। हम इसको एग्जेम्प्ट भी बोल सकते हैं या जीएसटी टैक्स फ्री भी बोल सकते हैं या ओनली टैक्स फ्री भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है 144 रुपये वो हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है किराना गुड्स जीएसटी टैक्स फ्री परचेज अकाउंट डेबिट 144 रुपये। इसी तरीके से कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 18% परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि इस प्रोडक्ट में कॉस्मेटिक गुड्स ये निखार हेयर ऑयल है जो 3305 के जो प्रोडक्ट है ये हमारे 18% की कैटेगरी के हैं और ये दोनों हमारे कॉस्मेटिक गुड्स है 18% के, तो हमने 18% को इसको दोनों को जो स्टॉक आइटम हमारी है इस दोनों की टैक्सेबल वैल्यू को हमने प्लस किया है 1700 रुपये और 4800 रुपये को, इन दोनों का प्लस करके हमने यहाँ पे 6500 रुपये लिखा है। और इस तरीके से इलेक्ट्रिकल गुड्स जीएसटी 18% परचेज अकाउंट डेबिट। अब इलेक्ट्रिकल गुड्स 18% कौन सा है, ये वॉल फैन जो हमारी लास्ट आइटम है 6 नंबर और इसका जो एचएसएन कोड है 8414 और इसका 8414 के अगर टैक्स समरी में अगर हम बात करें तो ये इसका कोड ये 18% की कैटेगरी का है। तो इस तरीके इसका लेजर भी इलेक्ट्रिकल गुड जीएसटी 18% परचेज के हिसाब से बनेगा। तो फ्रेंड अगर आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर आ रही है हम इसको जीएसटी 12% परचेज या जीएसटी 5% परचेज या जीएसटी टैक्स फ्री परचेज या कोस में ओनली परचेज 18% परचेज अकाउंट भी हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपकी इस टाइप की एंट्री आपके माइंड में आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया भी आपको अभी भी प्रैक्टिकल अकाउंट की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। फ्रेंड अगर इस टाइप की अगर एंट्री आपके माइंड में है तो आप इसका मतलब एज पर बुक्स याद कर रहे हो, लेकिन हम एज पर बुक्स नहीं, एज पर जो बिजनेस में रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है उसके आधार पर जो लेजर बनते हैं वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ये परचेज का ओनली परचेज जीएसटी 12% डेबिट ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक्स की लैंग्वेज है। जब हम रियल प्रैक्टिकल अकाउंट की बात करें तो ये हमारे बुक्स की जो कहानी है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और इसी तरीके से हमारा इनपुट सी जीएसटी टैक्स और इनपुट एस जीएसटी टैक्स भी डेबिट रहेगा। अब यहाँ पर भी अगर आपके माइंड में आ रहे हैं हम सी जी एस टी टैक्स डेबिट करें या एस जी टी टैक्स डेबिट करें तो हम वर्डिंग पूरा यूज़ करेंगे इनपुट टैक्स, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है तो हमारा ये इनपुट टैक्स रहने वाला है, तो हम इसका पूरा वर्ड यूज़ करेंगे इनपुट सी जी एस टी टैक्स और इनपुट एस जी एस टी टैक्स अकाउंट डेबिट। और ये जो टैक्स की जो हमारी फिगर आई है वो हमारे इस टैक्स समरी से हमने यहाँ से ली है। तो फ्रेंड्स हमें जो टैक्स की जो कैटेगरी है वो हमें अलग अलग कोई कॉमोडिटी वाइज अलग अलग टैक्स रेट हमें लिखने की जरूरत नहीं है भी हमारा किराना गुड्स का टैक्स इतना है, इलेक्ट्रिकल का इतना है या कॉस्मेटिक का इतना है। हम जो नेट अमाउंट बनेंगे सी जी एस टी अमाउंट और एस जी एस टी अमाउंट वो नेट यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग बनेंगे कॉमोडिटी वाइज वो हमें अलग अलग लिखने जरूरी है। तो इस तरीके से फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेज यानी कि हमें किराया भाड़ा भी लगा था 100 रुपये का जो इस बिल में भी ऑलरेडी हमें लग के आया है, ये फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस और ये इसकी अमाउंट है 100 रुपीज़। तो ये हमारा खर्चा है तो हम खर्चे को भी डेबिट करेंगे 100 रुपये से और ये राउंडेड ऑफ ऑन ये हमने माइनस किया हुआ 0.40 पैसे यानी कि 48 पैसे हमने माइनस किया हुआ तो ये क्रेडिट रहेगा। और टू विजय ट्रेडिंग कंपनी 38,018 रुपये ये जो हमारी इनवॉइस की नेट वैल्यू है इस वैल्यू हम विजय ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इस अगर इनवॉइस की बात करें जर्नल एंट्री की तो इस जर्नल एंट्री में हमारे इतने लेजर्स तो डेबिट रहेंगे और बाकी दो लेजर है जो क्रेडिट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर मैं प्रैक्टिकल तरीके से अकाउंटिंग सीखनी है तो हमें हर एक लेजर्स के आगे कॉमोडिटी का नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि अब हमें इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा ये आपको जब इस इनवॉइस से संबंधित सारी एंट्री कर लेंगे, जब इसके हम मैनुअल बुक्स तैयार करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे तब हमें इस चीज़ का अच्छी तरीके से पता चलेगा कि हमें कॉमोडिटी का नाम साथ में लिखना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमारे सामने एक नेक्स्ट इनवॉइस है आरवी एंड कंपनी का और ये हमने आउट ऑफ स्टेट से गुड्स परचेज किए यानी कि अबोर से परचेज किया है तो इसलिए ये हमारा आईजीएसटी टैक्स लग के आएगा। और टैक्स की समरी में बात करें तो यहाँ पर भी आईजीएसटी टैक्स हमें लगा हुआ है। तो फ्रेंड सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम ओनली राजस्थान का गुड्स परचेज करके राजस्थान में ही सेल करते हैं यानी कि विद इन स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन हमारी रहती है सेल या परचेज की उस वक्त हम सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगाते हैं, लेकिन जब भी हम आउट ऑफ स्टेट के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं सेल या परचेज की तो आईजीएसटी टैक्स यूज़ करते हैं। तो हम
राजस्थान के हैं और जो हमने गुड्स परचेज किया वो पंजाब के डीलर से किया, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग स्टेट हो गए, तो आरवी कंपनी ने भी IGST वर्ड यूज़ किया है। तो इसकी जो जनरल एंट्री रहने वाली है हमारी बुक्स की वो ये रहेगी। अब इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दंत कांति टूथपेस्ट 300 ग्राम, यानी कि ये हमारे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है। सरस घी, यानी कि ये हमारे खाद्य पदार्थ में आता, हम इसको किराना गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। ये हमारा सिस्का LED बल्ब, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल्स का पार्ट है। क्लिनिक प्लस शैम्पू 350 ग्राम, ये हमारा कॉस्मेटिक गुड्स परचेज है। तो इस तरीके से हमने इस इनवॉइस में तीन अलग अलग टाइप की कॉमोडिटी परचेज करी है। हमने इसमें कॉस्मेटिक गुड्स भी परचेज किए है, इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज भी किए और किराना गुड्स भी परचेज किए है। तो हम इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम कॉस्मेटिक गुड्स GST 18% परचेज काउंटर डेबिट, यानी कि इस इनवॉइस में कॉस्मेटिक का एक गुड्स 18% का वो डेबिट हो रहा है। अब वो कौन सा हो रहा है इसमें हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक आइटम है दंत कांति टूथपेस्ट, इसको हम डेबिट करेंगे। अब इसकी अगर बात करें, इसका 18% जो IGST रेट है वो इस स्टॉक आइटम के सामने यहीं पे ही मेंशन किया हुआ है। अगर इसके नेट अमाउंट की बात करें 6000 रुपये, तो ये अब ये हमारे यहाँ पे जो जनरल एंट्री में वैल्यू हमने लिए 5084.75 रुपये, लेकिन इनवॉइस की बात करें तो यहाँ पे है 6000 रुपये। तो ये फ्रेंड ये 6000 रुपये है, ये विद GST अमाउंट है, यानी कि इस अमाउंट में GST इंक्लूड है, क्योंकि इस अमाउंट पे अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम के नीचे किसी भी तरीके का कोई टैक्स यूज नहीं किया हुआ इस कैटेगरी में, इस स्थान पे ये बिल्कुल हमारा खाली है। अगर बात करें हमारे पहले वाले इनवॉइस की, तो जो पहले वाला इनवॉइस था इसमें हमारा यहाँ पे टैक्स लगा हुआ था पहले, यानी कि स्टॉक आइटम के बाद में स्टॉक नेट अमाउंट से पहले टैक्स लग चुका था। तो इसका मतलब ये अमाउंट है जो हमारी ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट है, और इस इनवॉइस में यहाँ पर कोई भी टैक्स की अमाउंट नहीं है, तो इसका मतलब ये अमाउंट नेट अमाउंट है। और इसकी जो नेट अमाउंट है इनवॉइस की 29800, ये इन चार स्टॉक आइटम का टोटल है। अगर ये नेट अमाउंट ये बनेंगे तो इसका मतलब ये अमाउंट ऑलरेडी नेट अमाउंट ही है। मैं आपको इस एक पहली स्टॉक आइटम का ये आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता देता हूँ भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने ये 6000 रुपये की अमाउंट किस तरीके से निकाली है। फ्रेंड सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक आइटम की, तो हमने इसमें 5 बॉक्स परचेज किए और जो 1016.95 रुपये जो इसकी वैल्यू आ रही है वो हमारी पर बॉक्स की वैल्यू आ रही है, यानी कि 5 बॉक्स है और हमने इसमें 100 पीसेस है, यानी कि पर बॉक्स में 20 पीस है। और यहाँ पे जो बेसिक प्राइस जो आ रहा है ये हमारा पर जो हमारी फर्स्ट यूनिट होती है यानी कि बॉक्स, ये पर बॉक्स का रेट है, टैक्सेबल रेट है, इसमें GST इंक्लूड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक वैल्यू निकालेंगे, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे 5 बॉक्स की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1016.95 रुपये इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5084.75 रुपये। अब ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ चुका है 5 बॉक्स का। अब इस पर अगर हम टैक्स लगाएंगे इंटू 18%, तो ये 915.25 रुपये जो कि हमें भी यहाँ शो हो रहा है 915.25 रुपये। अगर हम बेसिक अमाउंट और IGST अमाउंट को अगर जोड़ प्लस करेंगे तो ये 6000 रुपये नेट अमाउंट आ चुकी होगी। तो 5084.75 रुपये प्लस 915.25 रुपये अगर इसको प्लस करेंगे तो इस तरीके से ये 6000 रुपये नेट अमाउंट आ गई। तो इसी तरीके से बाकी जो तीन आइटम हमारे पास है, इसी तरीके से इनकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी आइटम के हमने 5084 रुपये, किराना गुड्स 12% का जो प्रोडक्ट है हमारे पास सरस घी का, ये 12% की कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो हम इसका वर्डिंग यूज़ करेंगे किराना गुड्स GST 12% परचेज अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल गुड्स GST 12% परचेज, अब 12% की कैटेगरी में सिस्का LED बल्ब, यानी कि ये 12% का सिस्का LED बल्ब 25 वाट, ये हमारे 12% का, यानी कि GST 12% इस पर टैक्स लगता है। तो इसकी 3880 रुपये की हमने टैक्स वैल्यू निकाल के 3464.29 रुपये। तो इसी तरीके से कॉस्मेटिक गुड्स GST 28%, इसका जो टैक्स वैल्यू बनेगा 9000 रुपये। अब यहाँ पर हम इनपुट IGST अकाउंट डेबिट करेंगे। इस एंट्री में हमने CGST और SGST टैक्स यूज़ किया था, क्योंकि हमने लोकल परचेज थी हमारी और ये हमारी आउट ऑफ स्टेट की परचेज है, तो इसमें हम इनपुट IGST अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। ये 4750.96 रुपये, ये हमारी टैक्स समरी से भी हमें पता चल जाएगा। ये जो 4750.96 रुपये जो IGST के अमाउंट है, तो हमें जो टैक्स के अमाउंट है वो कॉमोडिटी वाइज अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, भी हमारा कॉस्मेटिक का इतना टैक्स लग रहा है या इलेक्ट्रिकल का इतना लग रहा है या किराना गुड्स का इतना लग रहा है, टैक्स जो नेट अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और टू RV & Company 29800 रुपये से।
तो फ्रेंड हम इस तरीके से पूरा कॉमोडिटी का नाम साथ में यूज करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे डे बुक में जो लेजर क्रिएट हुए हैं वही लेजर हमारे बुक्स में भी क्रिएट होंगे, यानी कि अकाउंट्स लेजर बुक में भी जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, जैसे कॉस्मेटिक GST 18% परचेज है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल गुड GST 18% परचेज है, ये CGST का टैक्स है, ये हमारा IGST का है। इसी तरीके से किराना गुड GST 12% का एक अलग से लेजर क्रिएट किया हुआ है, कॉस्मेटिक गुड्स 18% का अलग से लेजर क्रिएट किया हुआ है। तो फ्रेंड हमको जितने भी हमारे डे बुक में लेजर क्रिएट होते हैं उतने हमारे अकाउंट्स बुक में भी हमें लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड अब चलते हैं हमारा जो मेन इश्यू था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। तो फ्रेंड्स एक विजय ट्रेडिंग कंपनी ने एक हमें क्रेडिट नोट प्रोवाइड करवाया है और इस क्रेडिट नोट में कुछ इस तरीके की समरी भी उसने मेंशन की है। इसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, HSN कोड, यूनिट टैक्सेबल रेट और CGST SGST कुछ इस तरीके का मेंशन उसने किया रखा है। और एक ये भी क्रेडिट नोट विजय ट्रेडिंग कंपनी ने ही इशू किया है, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके का कोई भी मेंशन टैक्सेबल रेट या HSN का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ। और एक ये हमारा पास हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी ने ही क्रेडिट नोट इशू किए। तो फ्रेंड्स इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स हमारे बिजनेस में तीन प्रकार के क्रेडिट नोट हम यूज़ करते हैं, पहला सेल्स रिटर्न के लिए, दूसरा एडजस्टमेंट यानी कि टैक्सेबल क्रेडिट नोट और टैक्स फ्री क्रेडिट नोट के लिए। तो फ्रेंड इन तीनों में क्या डिफरेंस है हम ये इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। और तीनों ही क्रेडिट नोट की हम पहचान कैसे करेंगे, ये हमारा सेल्स रिटर्न है, ये हमारा टैक्सेबल क्रेडिट नोट है, ये हमारा टैक्स फ्री क्रेडिट नोट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। तो जब भी हमारे पास सेल्स रिटर्न का अगर कोई भी क्रेडिट नोट हमारे पास आएगा तो वो इस तरीके का क्रेडिट नोट आएगा। तो फ्रेंड्स ये इसका इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो AGT चीज़ें से हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं जब हम सेल करते हैं तो उस तरीके का ही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन ओनली जो डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस की जगह क्रेडिट नोट वर्ड यूज होएगा और यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर की जगह इसका क्रेडिट नंबर यूज होएगा और क्रेडिट नोट की डेट इशू होगी। तो इसमें सब कुछ हमें समरी भी इन्फो मतलब टाइप करनी पड़ेगी भी जो क्रेडिट नोट इशू आपने किया उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कितना था। तो यानी कि हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी को ये गुड्स रिटर्न किए हैं और विजय ट्रेडिंग कंपनी ने इसका क्रेडिट नोट हमें इशू किया है, तो इसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी मेंशन किया भी ये जो गुड्स रिटर्न है ये कौन से टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में सेल किया था, यानी कि 1457 नंबर बिल के अगेंस्ट विजय ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे को ये गुड्स सेल किए थे। तो ये कुछ इस तरीके की हमने सिस्का LED बल्ब 2 पीस और निखार हेयर ऑयल 100 ml के 8 पीस हमने कंपनी को वापस रिटर्न किए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जैसे AGT सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस जो हमारे पास होता है उसी तरीके का ये फॉर्मेट है और ये 1457 नंबर इनवॉइस वही है, इसमें 1457 नंबर और ये जो प्रोडक्ट हमने परचेज किए थे इस प्रोडक्ट में, तो इस इनवॉइस में हमने ये जो प्रोडक्ट्स परचेज किए थे इसमें से 2 प्रोडक्ट हमने वापस रिटर्न किए, इसमें सिस्का LED बल्ब और निखार हेयर ऑयल 100 ml। तो फ्रेंड इस तरीके का हमारे सामने उसका क्रेडिट नोट इश्यू होके आता है, इसका फॉर्मेट AGT सेल या परचेज के इनवॉइस जैसा ही होता है। तो फ्रेंड अगर हम बात करें इस इनवॉइस की जर्नल एंट्री की भी इस इनवॉइस की जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, तो जर्नल एंट्री के लिए आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो फ्रेंड अगर हम बात करें इसकी जर्नल एंट्री की तो जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो इसकी हमें इसका बेस समझना पड़ेगा भी ये क्रेडिट नोट वाउचर है ये किसने इशू किया है, हमारे द्वारा इशू किया गया या हमारे सप्लायर्स ने हमें प्रोवाइड करवाया है। तो विजय हमारी फर्म्स का नाम यानी कि हमारी कंपनी का नाम श्री श्याम ट्रेडर्स है, इसका मतलब ये विजय ट्रेडिंग कंपनी ने ही इशू किया है श्री श्याम ट्रेडर्स को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस क्रेडिट नोट की कहानी को समझते हैं भी ये क्रेडिट नोट ये वाउचर्स है कि अपने आप में इसकी कहानी क्या बन रही है। तो ये विजय ट्रेडिंग कंपनी ने क्रेडिट नोट इशू किया है श्री श्याम ट्रेडर्स को और ये क्रेडिट नोट यानी कि गुड्स रिटर्न का जब विजय ट्रेडिंग कंपनी के लिए तो ये सेल रिटर्न हो जाएगी और श्री श्याम ट्रेडर्स के लिए ये परचेज रिटर्न हो जाएगी। अगर इसमें बात करें इसकी जर्नल एंट्री इसकी क्या बनने वाली है, तो यानी कि इसमें हमने एक इलेक्ट्रिकल गुड्स वापस किए और एक कॉस्मेटिक गुड्स वापस किए हैं, लेकिन दोनों की परसेंटेज अलग अलग है, एक हमारे पास 12% का प्रोडक्ट था एक 18% का प्रोडक्ट। तो इसकी जर्नल एंट्री हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम विजय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, विजय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी कि हमने इसको गुड्स रिटर्न किया है तो इसकी जो इनवॉइस की यानी कि इस वाउचर्स की जो नेट अमाउंट है 471 रुपये, उस 71 रुपये से हम इस पार्टी को डेबिट करेंगे। अब जो क्रेडिट होने वाली चीज़ें रहेगी वो 2
इलेक्ट्रिकल गुड्स जीएसटी 12% परचेज रिटर्न अकाउंट, ये रहेगा 134 रुपये से। और इसी तरीके से टू कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 18% परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज हमारी डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट होएगी, तो ये रहेगी 272 रुपये से। तो इसी तरीके से टू इनपुट सीजीएसटी टैक्स, यानी कि अब आउटपुट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, हम इनपुट को ही क्रेडिट करेंगे वापिस 32 रुपये 52 पैसे से। तो इसी तरीके से हमारा एसजीएसटी टैक्स भी क्रेडिट हो जाएगा 32 रुपये और 52 पैसे से। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्रेडिट नोट था, यानी कि हमारी तरफ से जो परचेज रिटर्न बन रही है, वो इसकी एंट्री हम हमारी मैनुअल बुक्स में इस तरीके से करेंगे, यानी कि विजय ट्रेडिंग कंपनी को हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट करेंगे, और इनपुट सीजीएसटी टैक्स और इनपुट एसजीएसटी टैक्स को भी हम क्रेडिट करेंगे। हमारी तरफ से हमारा जो परचेज रिटर्न बनेगा वो इस तरीके से हमारी बुक्स में इसकी एंट्री के मेंशन करेंगे, यानी कि हमने विजय ट्रेडिंग कंपनी को, विजय ट्रेडिंग कंपनी ने श्री श्याम को क्रेडिट किया, तो श्री श्याम ट्रेडर से विजय ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट करेगा। तो ये, और अब जो मेन डिफरेंस रहने वाला है वो है एडजस्टमेंट टैक्सेबल क्रेडिट नोट का और टैक्स फ्री क्रेडिट नोट का। तो इसका इन्वॉइस टैक्सेबल क्रेडिट नोट कैसा होएगा, ये जो हमारे सामने जो एक क्रेडिट नोट आया है ये टैक्सेबल, जिस भी क्रेडिट नोट के अंदर ये वाउचर टाइप अगर कोई होएगा उसके अंदर इस तरीके की अगर कोई भी इंक्वायरी अगर कोई मेंशन अगर इसमें करी होती है तो इसका मतलब वो हमारा टैक्सेबल क्रेडिट नोट होता है। अब ये टैक्सेबल क्रेडिट नोट इशू क्यों किया जाता है, और एक हमारे सामने ये है, इस पर किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी मेंशन नहीं है, ओनली सिर्फ 60 रुपये डेबिट और क्रेडिट किया हुआ है, यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई समरी यहाँ पे टाइप नहीं की हुई, तो इसका मतलब ये टैक्स फ्री का क्रेडिट नोट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक पार्टी है एबीसी पार्टी, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस पार्टी का नाम दे रहे हैं, और उस पार्टी से हमने 100 पेन परचेज किए हैं और 20 रुपये का पर पेन है, यानी कि इस 20 रुपये में जो हमारा जीएसटी लगने वाला है 12% वो इंक्लूड है, यानी कि इस 20 रुपये में जीएसटी 12% की जो अमाउंट है वो इंक्लूड है। तो फ्रेंड अब हमने क्या किया, जब हम पार्टी से गुड्स परचेज करेंगे तो पार्टी हमें एक टैक्स इन्वॉइस इशू करके देगी एबीसी पार्टी, और उस इन्वॉइस में हमें क्या लिखा होगा भी जो हमारी जो पेन की जो अमाउंट है, तो पेन के अमाउंट वो किस तरीके से मेंशन करेगा, जैसे सपोज करो जो हमारी क्वांटिटी है पेन और क्वांटिटी रखेगा 100, और जो हमारी पर पीस की जो क्वांटिटी जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी वो आएगी 1786 पैसे पर पेन की, यानी कि 20 रुपये में जीएसटी शामिल था तो हम 20% का 20 रुपये का 12% है जो अलग से मेंशन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने 1785 रुपये और 72 पैसे इसकी अमाउंट बनेगी। अगर हम बात करें इनपुट सीजीएसटी की, तो इनपुट सीजीएसटी जो बनेगा हमारे पास है 6% का, वो बनेगा 107 रुपये और 14 पैसे। और इसी तरीके से हमारे सामने इनपुट एसजीएसटी टैक्स भी बनेगा 107 रुपये। अगर हम तीनों को प्लस कर दें तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ भी 20 रुपये का हमने 12% की जो टैक्सेबल वैल्यू निकाली है 17.86 वो कैसे आई है। तो सबसे पहले हम 20 × 100/112, तो ये 17 रुपये 86 पैसे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 से तो 1785 रुपये 71 पैसे, यानी कि 72 पैसे हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी होगी। अगर इसके हम टैक्स करें इंटू 6% तो 107 रुपये और 14 पैसे इसका सीजीएसटी रहेगा और 107 रुपये 14 पैसे इसका एसजीएसटी रहेगा। तो अगर हम इसके टोटल की बात करें तो जो नेट अमाउंट हमारे सामने बन के आएगी वो रहेगी पूरी नेट 2000 रुपये। तो फ्रेंड ये था एक टैक्स इनवॉइस जब हम परचेज करेंगे इस पार्टी से तो इस तरीके का इनवॉइस हमें वो देगा फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हमने उस पार्टी से जो पेन पर पेन का जो हमारी जो डील हुई थी वो 18 रुपये पर पेन के हिसाब से हुई थी, लेकिन कंपनी ने बाय द वे क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से वो 18 रुपये की बजाय उसने 20 रुपये के अनुसार से इनवॉइस बना दिया। लेकिन बाद में जब हम कंपनी से इसके बारे में कंप्लेन करी तो कंपनी ने हमें ये बोला कि हम ये जो 2 रुपये आपसे एक्सेस लिए हैं इसका हम आपको क्रेडिट नोट इशू करके देंगे,
यानी कि हम आपको 2 रुपये अगर पर पेन के हिसाब से अगर हम बात करें, 100 पेन हमने परचेज किए थे और 2 पेन हमें पर कंपनी डिस्काउंट देगी जो एक्सेस हमारे से ले लिए थे, तो इसकी अगर बात करें नेट अमाउंट की तो 200 रुपये हमारे बनेंगे। लेकिन अब हमें 200 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे। अब क्यों नहीं मिलेंगे इसका भी एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब एक बार किसी भी कस्टमर को या किसी भी कंपनी को जब इनवॉइस जारी कर दिया जाता है तो बाद में उस इनवॉइस को चेंजिंग वो नहीं करते। बाद में जो भी आपका जो डिफरेंस रहता है वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के द्वारा ही एडजस्टमेंट किया जाता है। अब जैसे इस तरीके से हम कंपनी ने कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 20 रुपये के हिसाब से पेन जो इनवॉइस जारी करना था वो 18 रुपये के हिसाब से जारी करना था, लेकिन कंपनी ने गलती से 20 रुपये के हिसाब से कर दिया। लेकिन अब ये कंपनी ये नहीं है भी इस इनवॉइस को डिलीट करके हमारे को एक दोबारा कोई नया इनवॉइस जारी करेगी। अब एक बार इनवॉइस जारी हो चुका है तो वो हो चुका है। अब इसका जो डिफरेंस है 2 रुपये का, उसके लिए कंपनी हमें टैक्सेबल क्रेडिट नोट जारी करेगी। जैसे आपके सामने ये इस तरीके का जो क्रेडिट नोट है, आपके सामने इस तरीके का क्रेडिट नोट बन के आएगा ABC पार्टी का। अब इस पार्टी में ये चीज़ें क्या कुछ लिखी हुई है वो सब कुछ यहाँ पे लिखी आएगी। तो फ्रेंड अब सबसे पहले कंपनी में क्या करेगी, जो टैक्सेबल जो क्रेडिट नोट आएगा वो हमारा इस तरीके से आएगा। अगर हम 2 रुपये की बात करें तो इसका मतलब 2 रुपये में टैक्स हमारा शामिल है। तो इसकी अगर 1 की वैल्यू बात करें टैक्सेबल तो 1.79 ये रहेगी। यानी कि 2 रुपये में अगर 12% अगर हम कम करेंगे भी 2 × 100/112 तो 1 रुपये और 79 पैसे, यानी कि ये पर पेन की टैक्सेबल वैल्यू है। और अगर हम बात करें 100 पेन की भी 100 × 1.79 तो हमारे सामने कुछ 178 रुपये और 58 पैसे इसकी टोटल वैल्यू बनेगी, टैक्सेबल वैल्यू। अगर इस पर टैक्स की अगर हम बात करें CGST टैक्स और SGST टैक्स की, इनपुट CGST टैक्स अगर बात करें 6%, तो जो 6% का जो टैक्स हमारा रहेगा 10 रुपये और 71 पैसे इस पे रहेगा। और जो SGST लगेगा वो भी हमारा सेम ही रहेगा 10 रुपये 71 पैसे से। अगर हम तीनों को प्लस करेंगे 178.58 प्लस 10.71 प्लस 10.71 तो इस तरीके से ये 200 रुपये का नेट अमाउंट हमें बन जाएगा। तो इसका जो टोटल बनने वाला है वो है 200 रुपये। तो फ्रेंड अब हमें जो 200 रुपये का जो डिफरेंस हमें मिलना था वो 200 रुपये का पूरा नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा 178.58 का। अब ये क्यों मिलेगा, 200 रुपये का पूरा क्यों नहीं मिल रहा, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। फ्रेंड अगर मान लीजिए आपने ये सपोज की कंपनी ने पहले ही अगर आपको 18 रुपये के हिसाब से इनवॉइस जारी कर दिया होता तो आपको ITC जो आपका है यानी कि इनपुट और SGST और CGST टैक्स है वो भी आपका कम ही लगने वाला था। अगर हम बात करें टैक्सेबल वैल्यू की तो 1 की अगर 18 रुपये का नेट अमाउंट था तो इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 16 रुपये और 7 पैसे। अगर हम 100 पेन की बात करें तो 100 × 16.07 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास जो नेट अमाउंट इसकी जो बन के आएगी वो 1607 रुपये और 14 पैसे। तो इसकी हम बात करें CGST टैक्स की भी हमें इनपुट कितना मिलना था इसका, CGST टैक्स 6% का वो मिलना था 96 रुपये और 43 पैसे। और इतना ही हमें SGST टैक्स मिलना था इसका। तो अगर टोटल अगर हम बात करें भी टोटल प्लस अगर हम करके देखते हैं इसका तो 1607 रुपये 14 पैसे 96.43 + 96.43 तो इस तरीके से ये 1800 रुपये का टोटल बनना था, टोटल 1800 रुपये का। अगर उसी तरीके से हम बात करें तो अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी 100 × अगर हमें पहले 18 रुपये का अगर टैक्स इनवॉइस बन के आता तो भी ये 1800 रुपये का ही आना था। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जब हमने पार्टी से गुड्स परचेज किया तो हमने पार्टी ने हमें 107 रुपये का टैक्स लगाया था, लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स हमारा बनना था वो 96 रुपये 43 पैसे ही बनना था। तो इस कंडीशन में ये पार्टी 10 रुपये 71 पैसे जो टैक्स हमारे से क्रेडिट नोट के रूप में वापस ले लेगी। इसको हम बोलते हैं रिवर्स टैक्स, यानी कि जो हमारा इनपुट मिला था उसी इनपुट टैक्स में से हम वापस टैक्स रिवर्स कर रहे हैं। तो फिर अगर हम इन दोनों के टैक्स के अगर डिफरेंस की बात करें, जो पहले हमें जो टैक्स लग के आया था वो 107 रुपये और 14 पैसे लग के आया था,
लेकिन हम वापिस अगर टैक्स कर रहे हैं 10 रुपये 71 पैसे, तो भी हमें 96 रुपये 43 पैसे का ही इनपुट मिलना है। तो फ्रेंड्स, अगर सामने वाली पार्टी अगर टैक्सेबल क्रेडिट नोट हमें इश्यू नहीं करती है, तो जीएसटी रूल के अनुसार सामने वाली पार्टी यानी कि जिस पार्टी ने हमें टैक्स इनवॉइस जारी किया था, अगर वो हमें जो टैक्सेबल क्रेडिट नोट देती है, अगर उस पर हमारा से एसजीएसटी और सीजीएसटी अगर टैक्स रिवर्स नहीं करवाती है, तो जीएसटी रूल के अनुसार उस पर पेनल्टी का प्रावधान भी है। तो अगर उसको ये कंपलसरी हो जाएगा टैक्सेबल क्रेडिट नोट देना। अब हमारे सामने जो क्रेडिट नोट आया है, इसको हम समझते हैं कि क्रेडिट नोट क्यों इशू किया गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे एक लिखा हुआ है निखार हेयर ऑयल 450 ml 80 एक्सेस चार्जेस, यानी कि हमारे से निखार हेयर ऑयल जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था 1457 नंबर बिल के अगेंस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी कि जब हमें 1457 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट निखार हेयर ऑयल जो परचेज किया था, उसमें 80 रुपये इस प्रोडक्ट के ज़्यादा ले लिए थे कंपनी ने। अगर इसका इनवॉइस हम देखें तो ये 1457 नंबर ये इनवॉइस हमारे सामने है, और इसका निखार 450 ml का प्रोडक्ट ही है, ये इसका प्रोडक्ट है 5 नंबर प्रोडक्ट, और इसमें जो 2 बॉक्स हमने परचेज किए हैं, यानी कि 40 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से कंपनी ने ज़्यादा चार्ज किए थे, और उसका जो डिफरेंस है वो क्रेडिट नोट के थ्रू उस कंपनी ने हमें वो वापस कर दिया। लेकिन अब 80 रुपये हमें पूरा चार्ज कंपनी नहीं देगी, 80 रुपये का पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो ओनली 67 रुपये 80 पैसे का ही मिलेगा। बाकी ये जो 6 रुपये 10 पैसे सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स जो 10 रुपये है, ये हमारी लाइबिलिटीज बन चुकी है, यानी कि अब हमें जो उस टैक्स के इनवॉइस के अगेंस्ट जितना हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था, उसमें से अब 6 रुपये 10 पैसे 6 रुपये 10 पैसे एसजीएसटी और सीजीएसटी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से कंपनी क्रेडिट नोट इशू करती है टैक्सेबल, अगर आपका ये ज़्यादातर रेट डिफरेंस में ही होता है। तो फ्रेंड, बात करें इस क्रेडिट नोट की हमारे बुक्स में जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो जर्नल एंट्री भी हम बना के देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम विजय ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट करेंगे, विजय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, यानी कि हम इसको 80 रुपये से पूरा डेबिट करेंगे इस क्रेडिट नोट के हिसाब से, और हम जो क्रेडिट करने वाले हैं वो हमारा क्रेडिट रहेगा। सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट करेंगे रेट डिफरेंस ऑन कॉस्मेटिक गुड्स जीएसटी 18%, इसको हम जो क्रेडिट करने वाले हैं वो इसके टैक्सेबल अमाउंट से हम इसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि 67 रुपये और 80 पैसे से, 67 रुपये और 80 पैसे। तो इसी तरीके से हम हमारा अब जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स को हम रिवर्स करेंगे, इनपुट सीजीएसटी टैक्स जो हमारा टैक्स बनेगा 6 रुपये 10 पैसे और इनपुट एसजीएसटी टैक्स 6 रुपये 10 पैसे से। तो इस तरीके से हमारा टोटल लेजर ये एंट्री बनेगी, विजय ट्रेडिंग कंपनी को हम 80 रुपये से पूरा डेबिट करेंगे, और रेट डिफरेंस ये हमारी बिजनेस की डायरेक्ट इनकम हो चुकी है। इसका जो हम टैली में जब लेजर इसका क्रिएट करेंगे तो इसका हम हेड देंगे डायरेक्ट इनकम, क्योंकि हम इसको इनडायरेक्ट इनकम, और ये इनपुट सीजीएसटी टैक्स और इनपुट एसजीएसटी टैक्स। तो इसी तरीके से हमारा टैक्स फ्री क्रेडिट नोट। तो फ्रेंड, इस टैक्स फ्री क्रेडिट नोट में क्या हुआ, इस टैक्स फ्री क्रेडिट नोट में हमने कोई भी रेट डिफरेंस हमें नहीं मिला, इस क्रेडिट नोट के थ्रू हमें एक हमारा बोनस मिला है, हमारी स्कीम मिली है, या हमारा मेहनत का फल हमें मिला है। वो कैसे मिलता है, जैसे हमने टारगेट स्कीम ऑन सिस्का एलईडी बल्ब 5 वाट 6 रुपये पर पीस, यानी कि हमने इस पार्टी से 12 पीस सिस्का एलईडी बल्ब 5 वाट के परचेज किए थे, ये कंपनी के टारगेट हमने इसका पूरा किया था। तो कंपनी से हमारी डील थी, अगर आप हमारे से 12 जो पीसेस अगर स्टॉक हमारे से परचेज करते हो, तो हम आपको 6 रुपये पर पेन के हिसाब से अलग से डिस्काउंट देंगे, यानी कि अलग से एक स्कीम देंगे। तो उस स्कीम के मुताबिक हमें 12 सिक्का 72 रुपये में एक स्कीम मिली है, तो ये स्कीम हमारे खाते में विजय ट्रेडिंग कंपनी ने क्रेडिट करी है, तो हम इसको विजय ट्रेडिंग कंपनी को डेबिट करेंगे हमारी मैनुअल बुक्स में। तो फ्रेंड, अब इसमें 72 रुपये का हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने इस क्रेडिट नोट के अनुसार हमने गवर्नमेंट का कोई भी नुकसान नहीं किया है, तो हमें एसजीएसटी या सीजीएसटी को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसकी बात करें जर्नल एंट्री की, तो हम इसको जर्नल एंट्री सीधा ही करेंगे, विजय ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट
डेबिट यानी कि 72 रुपीज़। और हमारे पास अब एक लेज़र अलग से हम क्रिएट करेंगे, टारगेट स्कीम रिसीव्ड ऑन कॉस्मेटिक गुड्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल गुड्स 70 रुपीज़। ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम बन चुकी है क्योंकि हमने ये सिस्का एलईडी बल्ब पे जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा किया है। तो यानी कि सिस्का बल्ब हमने इलेक्ट्रिकल गुड्स के कॉमोडिटी में रखा हुआ है, तो इसका लेज़र भी हम टारगेट स्कीम रिसीव्ड ऑन इलेक्ट्रिकल गुड्स के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, या हम मतलब इलेक्ट्रिकल गुड्स टारगेट स्कीम के नाम से भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा इनडायरेक्ट इनकम में, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम रहेगी। अब इसमें हमें कोई CGST या SGST मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का डिफरेंस साइज समझ में आ गया होगा। अगर आपके किसी भी टाइप के कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। तो प्लीज़, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर है, इन्हीं अकाउंटिंग वाउचर को TELI ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे एंट्री इनकी करी जाती है, क्या क्या रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और TELI ERP 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फंक्शन हमें यस या नो करने पड़ते हैं GST इनवॉइसेस जब हमें एंट्री करते हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक।